बॉलीवुड में ड्रग्स केस को लेकर मामला दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है और अब रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। तब से बॉलीवुड के कई सेलेब्स का नाम इस सिलसिले में दर बदर सामने आ चुका है। बीते दिन रिपोर्ट्स आई थी कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम कर चुकी एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को ड्रग्स मामले में एनसीबी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो इस मामले में अक्षय की हीरोइन का भी नाम सामने आने लगा है। ये एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि है एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। खैर पहले पूरा मामला क्या है इसे आपको बताने से पहले बता दें कि दीपिका अक्षय संग चांदनी चौक टू चाइना, हाउसफुल और देसी बॉयज में नजर आ चुकी है। अब मामला क्या है, क्यों फंसा दीपिका का नाम, आइए आपको बताते हैं। दरअसल हाल ही में एनसीबी ने ड्रग्स को लेकर चैट एक्ट्रेस का नाम क्रॉप किया गया। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एनसीबी को इस हफ्ते ड्रग एंगन के सिलसिले में दीपिका पादुकोण को बुला सकती है। एजेंसी द्वारा टैलेंटेड मैनेजर जया शाह ने पूछताछ के बाद ये पता चला है कि ड्रग्स चैट में बॉलीवुड के कई सेलेब्स का संबंध हो सकता है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को भी कथित तौर पर एनसीबी द्वारा ड्रग्स एक्सेस के बारे में बुलाया गया है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि ड्रग एंगल के बारे में समन करने की संभावना है। इसके बाद रिया चक्रवर्ती ने कथित तौर पर एजेंसी द्वारा पूछताछ के दौरान इन सभी का नाम लिया। रिपब्लिक रिपोर्ट की माने तो दीपिका पादुकोण द्वारा कथित तौर पर ड्रग नेसेस के संबंध में उनका नाम सामने आने के बाद एक बयान भी जारी किया जा सकता है। खैर सुशांत के बाद ड्रग एंगल पर बिखरा ये मामला अब और कहां तक आगे जाता है और किसके नाम के पर्चे खुलते हैं, ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। फिलहाल जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोभ और घर के मैनेजर मैनुअल मिरांडा और हाउस स्टाफ दीपेश सावंत समेत कई लोगों को ड्रग्स के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।